आपको अपना बात शुरू करने से पहले एक कुछ जो घटना घटा है आज देश में उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सटीक उदाहरण है इस चीज का कि आज हमारे देश में और हमारे कैंपसेस में किस तरीके से इन फासीवादी ताकतों को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस हत्यारे का जिसके हाथों पे साथी रोहित वेमुला का खून है। मैं बात कर रहा हूँ बंडारू दत्तात्रेय का। आज का खबर है कि उसको रोहित वेमुला का खून करने के लिए, आपके और मेरे जैसे एक साथी का खून करने के लिए उसको केरल और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। ये आज हमारे कैंपसेस की और हमारे देश की असलियत है कि आप देखिए कि इस तरीके के ब्राह्मणवादी, मनुवादी और फासीवादी लोगों को आज बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है खून करने का, उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है हमारे जैसे छात्रों का बलिदान देने के लिए। और ये जो आज आने वाला चुनाव है JNUSU का, ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये कोई आम चुनाव इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है जो हमने ना सिर्फ पिछले साल लड़ा बल्कि पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं इस RSS के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और ABAP के खिलाफ। और इसी आंदोलन में एक अगली कड़ी आने वाला चुनाव होने वाला है और आप सबका जो आज यहाँ आप आए और आज एक दिखाए कि कितना भी तुम हमें डरा लो, कितना भी हमें धमका दो, हम डरने नहीं वाले हैं तुमसे। साथियों, आज देश में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। आज फासीवाद कोई थियोरेटिकल डिबेट नहीं है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, ढाबे पे जिसको हम चर्चा करते हैं, वो आज इस देश में एक रियलिटी बन गया है। और उसका एक उदाहरण है जो NRC को आसाम में लगाया गया है, जो फाइनल NRC का लिस्ट आया है। और वो इसीलिए है क्योंकि पल भर में रातों रात 19 लाख पीपल हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। और NRC एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, पर इसमें ये हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिन लोगों को अब स्टेटलेस बोला जा रहा है, वो लोग कौन है। वो लोग ना सिर्फ हिंदू है बल्कि मुसलमान है, आदिवासी है, गोरखा है, दलित है, बंगाली है, हर तबके के लोग हैं। और उनको एक चुटकी भर से कहा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इन्हीं भगवाधारियों से जो आज घूम घूम के कह रहे हैं, उसी मनोज तिवारी से जो कह रहा है दिल्ली में NRC हो, उसी रामनाथ कोविंद से जो पहले पार्लियामेंट एड्रेस में कहता है कि पूरे देश में NRC होना चाहिए, आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे जो 30 साल से असम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम किया, पर फिर भी इसके बावजूद उसको आज कहा जा रहा है कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। आज जब इस तरीके से हमारे इस देश के एक सिटीजन के एक क्लास को अलग से कैटेगराइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम सिटीजन ही नहीं हो, तुमको कैंप में भेजा जाएगा, इंटरनेट कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में, तब आज फासीवाद एक असलियत हो चुकी है। और आज जो मोदी जी बड़ा बड़ा जुमला फेंकते हैं, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास, उनको मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप क्या जवाब देंगे 40 लाख ऑटोमोबाइल वर्कर्स को जिनको आपके इन्हीं सब नीतियों के कारण काम से निकाला गया। और वो कौन लोग है जिनको काम से निकाला गया? वो इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का पिछड़ा वंचित वर्ग, इस देश का बहुजन वर्ग है जिसको, उनको मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसा विकास है कि 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लोग खरीद नहीं पा रहे हैं? ये कैसा विकास है कि 10,000 जो कर्मचारी, जो मजदूर है पार्ले जी के फैक्ट्री में, उनको रातों रात निकाल दिया जाता है? ये आज इस देश की सच्चाई है। और इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जो मैंने कहा था कि JNUSU चुनाव एक आंदोलन का हिस्सा है, ये आंदोलन है इन्हीं सब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, वंचित पिछड़े महिला वर्ग को एक आवाज देने का कि JNUSU उठेगा, इनकी आवाज बनेगा और में वो गूंजेगी और इन फांसी वाली ताकतों के कानों में भी गूंजेगी। और जब हम देश की बात करते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन इस कैंपस में भी दिखता है।
तो वो क्या दिखता है? देखिए, फंड कट के बारे में आपको पता है, लाइब्रेरी में फंड कट हो रहा है, किताब नहीं है, जर्नल नहीं है, हॉस्टल बनाने के लिए पैसा था, पैसा तो है नहीं, वो बोर्ड में देख रहा हूँ कई सालों से, पता नहीं वो भी गिर जाएगा कुछ दिन में। हॉस्टल मरम्मत करने के लिए पैसा नहीं है। और आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो स्कूल बिल्डिंग होता है, एसएल का 3 बिल्डिंग, एसआईएस का 2 बिल्डिंग, साइंस स्कूल के तमाम बिल्डिंग, उनका जो मेंटेनेंस का फंड था वो कट के 3 लाख रुपया से 50,000 रुपया हो गया। और उससे ज़्यादा बेतुकी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मुझे कॉमरेड ओशी ने एक बात बताई कि हमारे वाइस चांसलर मामीडाला जगदीश कुमार, इनके घर का टीवी खराब हो गया। टीवी खराब हुआ तो हुआ, रिपेयर वाले को बुलाए, वो बोले भैया 10,000 रुपया लगेगा। तो वाइस चांसलर साहब वो टीवी ठीक नहीं कराए, 60,000 रुपए का नया फ्लैट स्क्रीन टीवी। चांसलर साहब को बताना चाहता हूँ कि आपको फ्लैट स्क्रीन टीवी की कोई जरूरत नहीं है, आपको रेडियो की भी कोई जरूरत नहीं है। आप एक 500 रुपए का जियो का वो छोटा फोन ले लीजिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ मोहन भागवत से आदेश लेना है, वो वैसे ही मैसेज करके आपको भेज देंगे। और वैसे आज कैंपस में एबीवीपी है, वो भी इनका एक बी टीम बन के रह गया है। कल एक लड़का मुझे एक बात बोला कि भैया हम तो पिछले कई सालों से एबीवीपी के पैनल वोटर है, आप तो जानती है। मैं कहा हाँ जानता हूँ, बोलो इस बार हम वोट नहीं देंगे। बोला भाई क्या हो गया तुमको, इतना आकस्मिक हृदय परिवर्तन तुम्हें कैसे हो गया? बोला एक सवाल बस है कि एबीवीपी यूनियन में आके ऐसा क्या कर लेगा जो बाहर रह के नहीं कर रहा है। ये आरएसएस का विचारधारा है जो ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि 283 रुपए का मॉडल खत्म हो जाए, सामाजिक न्याय खत्म हो जाए, और जो शिक्षा है वो एक राइट नहीं, एक कॉमोडिटी, एक प्रिविलेज बन के रह जाए। और इसीलिए चाहे ये यूनियन में आए चाहे नहीं आए, ये लोग हमारे छात्रों के लिए जो पिछड़े वंचित वर्ग से आते हैं, जो देश के हर हिस्से से आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना अब कर रहे ना आने वाले दिन में करेंगे। और इसीलिए इस कैंपस ने इनको अतीत में भी नकारा है और आगे आने वाले समय में भी नकारेगा। और क्या हो रहा है अलग अलग कैंपसेस में, अब देखिए किस तरीके से एचसीयू में राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन पे, उसको दिखाने के लिए किस तरीके से लेफ्ट डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को पीटा जाता है, पुलिस उनको अरेस्ट करता है। मैं अभी इस मंच से कहना चाहता हूँ और एक चुनौती देता हूँ कि अगर रोक सके तो रोक के दिखाओ। हम लोग वो लोग हैं जो इस देश में, जो हमेशा इतिहास में दो धाराएं रही है, एक ऊंच नीच के लिए, दूसरी समानता के लिए, एक जो कहती थी कि समाज में सत्ता ताकत पैसा सिर्फ एक वर्ग के पास होगा, एक कहती थी कि नहीं सबका हक समान है, हम दूसरे वाले के पक्ष में रहे हैं। ये लोग जो हमेशा से मनुस्मृति के पक्ष में रहे हैं, इनको हम खारिज करेंगे। ये कहते हैं रोमिला थापर को सीवी भेजो, क्योंकि ये आज इतिहास मिटाना चाहते हैं, ये अपना काला इतिहास मिटाना चाहते हैं। कहते राम के नाम मत दिखाओ, जैसे इन्होंने चारवाक की हत्या की थी, जैसे इन्होंने रविदास का मंदिर तोड़ा था, वैसे ही आज ये कोशिश कर रहे अपना इतिहास मिटाने का। पर हम इसे होने नहीं देंगे, हम अपना इतिहास रखेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे और इनको याद करेंगे। और इनको हम बताएंगे कि तुम्हारा काला इतिहास चापलूसी का इतिहास है, तुम्हारा काला इतिहास ऊंच नीच का इतिहास है। हम उसे नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे। पथ में फिर से जीएस कैश बुलाने की एक कोशिश करेंगे हम, एमसीएम को बढ़ा के ये इंश्योर करेंगे कि हर छात्र को एमसीएम मिले, चाहे इंजीनियरिंग से हो, चाहे एसएल से हो, चाहे एमबीए से हो, चाहे साइंस से हो। और हम ये इंश्योर करेंगे कि इंजीनियरिंग और एमबीए के छात्रों का भी फी 283 रुपीज हो। और जो एबीवीपी जो फर्जीवाड़ा फैला रहा है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में जा जाके कह रहा है कि लेफ्ट के लोग प्लेसमेंट सेल के खिलाफ है, पर नौकरी कहाँ है आपके सरकार के पास देने के लिए? आप तो कह रहे हैं पकोड़ा बेचो, नौकरी कहाँ से देंगे? पर हम इंश्योर करेंगे कि प्लेसमेंट सेल खुले, नौकरियां मिले, और साथ ही साथ एबीपी के हर वो ढकोसला, हर वो फर्जीवाड़ा को एक्सपोज करते हुए हम ये बात कहेंगे बार बार। बस चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ।
मैं जिस घर से आता हूँ, नागपुर मेरा घर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, पर एक अम्बेडकरवादी परिवार से आते हुए बचपन से इनसे लड़ रहा हूँ और आके भी लड़ूंगा। जो आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है वो नागपुर जाएगा रेशिमबाग मैदान में मोहन भागवत के सामने। और जो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, किसान लॉन्ग मार्च निकालते हैं, मजदूरों ने अलग अलग आंदोलन लड़े हैं, मैं खुद ऊना जाके वहाँ पे जो मार्च था उसमें शामिल हुआ था, सहारनपुर में गया था, ये सारे ताकतों को साथ जेएनयूएसयू लाएगा और इन फांसीवादी ताकतों को इसने तख्त से उखाड़ के फेंकेगा और बोलेगा कि ये देश एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, है और रहेगा। Oh,